चलो मैं कर देता हूँ, क्या मालूम क्यों नहीं आ रहा है। पहले तो इसके डायमेंशन क्या होगा, एटलीस्ट ये तो बता दो। फोन का डायमेंशन जीतू, डायमेंशन बता इसका। डायमेंशन सर मुझे मिला है L2M1 और सर T-2। दैट्स राइट आंसर। तो मेरा सा आंसर है 10^-7। दैट्स वेरी बैड आंसर। पॉजिटिव 7 आया, 10^ पॉजिटिव। माइनस क्यों आया? तो माइनस नहीं तो पॉजिटिव ही आया मेरा। किसने बोला 10^-7? कोई तो बोला नहीं सर, मैंने तो बोला था 10^-7 मेरा आंसर है। हाँ तो फिर राइट आंसर है। किसी ने बोला 10^-7? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इसमें क्या तकलीफ थी यार, मेरे को समझ ही नहीं आया। फिलिंग तो ब्लैंक कर रहा था खाली खाली। इधर L2 था तो इसको 2 करना है, और इधर न्यूटन और डाइन के बदले जूल और आग लिखना है। गॉट? मिला? मिला क्या? मिला क्या? कॉपी मार लिया क्या? चलो मिला तो छोड़ने के सवाल ही नहीं है। कॉपी मार लिया? यस सर। आज वापस से कम हो गए, कौन कौन नहीं है अभी? आई थिंक कोनन भाग गई है। कोनन, अरे रोशनी, कोनन को फोन लगाया जाए। रोशनी, ओ रोशनी, कोनन को फोन लगाओ। चलो ये हो गया, मिटाओ इसको। अभी लास्ट अभी तुम लोग करके बताओ। शो दैट 1 N/m² इक्वल टू 10 D/cm². What is the physical quantity? Anybody can tell me what is the physical quantity? What is the physical? क्या? क्या है physical quantity? विधि? नहीं विधि को बार बार नहीं पूछता हूँ मैं। लेकिन द फोर्स इज बैड आंसर। फोर्स होता तो सिर्फ न्यूटन होता। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ऊपर है फोर्स, यू आर एग्री। नीचे क्या है? एरिया। एरिया और फोर्स ऊपर, एरिया तो कभी सुना ही नहीं आपने। What is force upon area? Pressure. बस physical quantity को pressure. Pressure का dimension निकालो. Force is mass into acceleration, which is L upon T square. और area is L square. So this will become M upon L T square. So dimensions are L-1, M1, and T-2. 1 N/m². -1, -1.
मेरे को पूछ लो क्वेश्चन, कुछ भी है तो मेरे को क्वेश्चन पूछो। कोनिन क्यों ले गई तुम? कोनिन कुरेशी, सो मेरे फोन की चार्ज, फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी। अच्छा चलो एक होमवर्क लिखो, कन्वर्ट 1 kg पर मीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, ये होमवर्क लिखो। कन्वर्ट 1 kg पर मीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम। हाँ लिखा, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीटर क्यूब है, ये क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, भी लाइफ में सुना है इसके बारे में, विच फिजिकल क्वांटिटी इज दिस? माज, ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ये क्या फोर्स है कि वर्क है, क्या है ये? I think force है, force है कि work है, क्या है ये? Anyone? All are free to say. ये homework है. Sir, density. That's right. Great answer. Mass upon volume. So it is density. You have to do. Everybody has to do this as homework. और नहीं आएगा तो मेरे को पूछने का, मैंने अपना हिंट दे दिया इतना कि इट इज डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसके बाद मैं चाहता हूं आप ये प्रॉब्लम नंबर 42 और पेज नंबर 11, प्रॉब्लम 42 जरा पढ़ के बताओ, पेज 11 पे जीतू स्टार्टिंग वाली पढ़ो एक लाइन, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं एग्जामिनेशन में इसलिए मैं कर रहा हूं ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम 42 ऑन पेज 11। G2 सर, यस सर, क्वेश्चन 42 पेज 11 का स्टार्ट खाली पढ़ो। पेज नंबर 11 अकरा, क्वेश्चन नंबर 42। If length L and force F and time T are taken as fundamental quantities. ये copy करो problem, then I'll explain you क्या करना है। चलो सब लोग लिखना बंद कर दो इसके बाद, कॉपी करने के बाद। देखो अब की बार क्या मालूम है, कोई बोले ना फाइंड डायमेंशन ऑफ मास, हम लोग बोले कि मास का डायमेंशन m1 l0 t0, क्या है इतना इजी तो है,
लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मास लेंथ टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर फंडामेंटल क्वांटिटी. ये लोग बोलते नो नो नो, टेक लेंथ मास. अरे एक मिनट, हाँ, लेंथ फोर्स एंड टाइम, लेंथ फोर्स एंड टाइम टू बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी. बोलते मास लेंथ टाइम नहीं, लेंथ फोर्स एंड टाइम आर टू बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास. एक मिनट, प्रॉब्लम समझ में आया, मैं बता रहा हूँ. एंड देन फाइंड डेंसिटी. हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी अब मास लेंथ टाइम नहीं रही इस प्रॉब्लम में, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई लेंथ फोर्स एंड टाइम. एंड देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी. ये मुझे रिपीट करके बताएगा. इसको बोलूं हुसैन, प्रॉब्लम बता क्या है. Sir, sir, in this problem we have the fundamental quantities length, mass, or length, force, and time. So we have to find the mass and density. We have to find dimensions of mass and density. Find dimensions of mass and density. अब सभी लोग देखो कैसे कर रहे हैं. Let Bhutta method totally अलग और मेरा method totally अलग. Let mass be proportional to L raised to x. F raised to y. अगला क्या लिखूं? क्या लिखूं अगला? T raised to z. खत्म. तो m क्या होगा? This will be m1, l0, t0. B proportional to l1 raised to x. This raised to y. और समय raised to z. इधर क्या लिखूं? Anyone who can tell me orally? Now, sir, अभी आपको ये L1, sir, M, L1, sir, M1, और sir, T minus 2. जबकि बहुत अच्छे बच्चे. Proportional to L raised to X plus Y, M raised to Y, and T raised to माइनस टू वाई प्लस जेड. ये इतना देखो समझ में आया क्या? देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन, माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस टू प्लस जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू टू, x equal to this, this and this. Therefore, dimensions of mass, L raised to minus 1, F raised to y kitna hai? y, 1, and T raised to z kitna hai? Z is z, 2. Ye ho jayega, aise kar rahe hain. जरा एक बार चेक कर लू. एल माइनस वन एफ वन टी माइनस टू. परफेक्ट परफेक्ट. मेरा मेथड देखो, तो बुक का मेथड देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा कुछ भी. दिस इज माय ओन मेथड व्हिच आई हैव डिवाइस्ड टू सिंप्लीफाई द सिचुएशन. कौन याद करेगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और वहां से निकालेगा? एकदम स्टैंडर्ड ऐसे ही रख देने का. ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आते हैं एग्जामिनेशन में. नीट बोलो, जेडब्ल्यू बोलो, हर जगह. एक बार और रिपीट कर दूं, रूलर मार दो एक बार. रूलर माज, ओ माज, माज, ओम, जीतू, कोनेन, रोशनी, रूलर मारूं एक बार? चलो रूलर मार देता हूं. हमें बोला गया कि मास का डायमेंशन निकालो अगर लेंथ फोर्स एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी. तो लेट एम बी प्रोपोर्शनल टू एल रेज़ टू एक्स, एफ रेज़ टू वाई, टी रेज़ टू ज़ेड. मास का डायमेंशन ये रहा, एल लेंथ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, टी का डायमेंशन. सब डायमेंशन लेके पावर इक्वेट करो. भाई यहाँ यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन. तो x plus y is equal to 0, y is equal to 1,
माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, मतलब सारे पावर इक्वेट करो, y इक्वल टू वन दिया हुआ तो मैंने y इक्वल टू वन डाला तो x इक्वल टू माइनस वन आया, माइनस टू इंटू वाई इज वन तो माइनस टू प्लस जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस जेड तीनों में गए यहाँ पे डाल दो, डेंसिटी करो अपने आप, डेंसिटी डेंसिटी का सिंबल क्या है, डेंसिटी का सिंबल रो, रो और उसका डायमेंशन क्या है, डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, डेंसिटी का डायमेंशन m अपॉन v और v के बदले l बाय v के बदले l बाय t, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप देखो सिचुएशन किधर फंसे हो आप, उसके हिसाब से आपको लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो क्या लिखना है, एनीबडी अगर ये v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो क्या अपॉन क्या, एनीवन इन द क्लास, सो v इक्वल्स टू वर्क बाय वर्क डिवाइडेड बाय q करंट, लवली आज करंट q इज करंट, q q चार्ज 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 और q के बदले क्या लिखने का, i into t i t हां i t i t ओके चलो मुझे बहुत सताते हो तुम लोग मिलके, सब मिलके बोलते आज सर को कोई आंसर नहीं देगा और सताएंगे हम लोग, एंड दैट आई डोंट लाइक, बताओ क्या करूं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, क्या लिखूं, वाई इक्वल टू कितना लिखूं, चलो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं ऐसे लगता है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं ना मैं, कोनन कोनन ओ कोनन ओके बोलो ना फिर, चलो आप फास्ट जा रहे हैं, आप स्लो जाइए सर, हाँ सही जा रहे हो सर आप, ओके थैंक यू सो मच कोनन, बिल्कुल लिखा हुआ हर लेक्चर में दिखाओगी तुम, एक बार बोलूंगा लिखा हुआ दिखाओ स्क्रीन पे सबको, तो आपको दिखाना होगा क्योंकि उस दिन मैं बहुत ऐसे नर्वस हो गया था कि तुम लिखती नहीं हो, इसे दिखती रहती है झपकी, क्या कुछ नहीं मैं बोलूंगा ना वो टाइम पे लिखा हुआ दिखाना पड़ेगा तुमको, ये ध्यान रखना ठीक है, वाई इक्वल क्या लिखो, वाई इक्वल टू माइनस थ्री, वेरी गुड कोने मस्त आंसर दिया तुमने, एंड एक्स प्लस वाई क्या लिखो, माइनस थ्री, अरे वाह, एंड देयरफॉर x क्या होगा, बोलो ओरली बताओ, x इक्वल टू ये y इक्वल टू 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 या 2 सर 2 सो माइनस माइनस 4 माइनस 2 सो माइनस 4 आएगा माइनस 4, अरे मैं किधर भी फंसा दूं तुम फंसने के लिए तैयार रहते हो, एंड माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, देयरफॉर मुझे बताओ जेड क्या होगा, टू जेड इक्वल टू वन टू थ्री या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री या माइनस फोर, सो टू दैट्स राइट, देयरफॉर डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एल रेस टू एक्स, एल रेस टू एक्स यानी कितना माइनस फोर, अरे बाप रे, देन एफ रेस टू y, y कितने 1 और t रेस टू z, z कितने 2, देखो कितना गंदा आंसर है,
Let me check. Answers are right or wrong. Yes. F1 L minus 4 T2. So here answer up is samne. एक प्रॉब्लम और करने के पहले अगला प्रॉब्लम करने के पहले ये है ना वैसे करो एक होमवर्क लो ले फोर्स एंड वेलोसिटी आर द फंडामेंटल क्वांटिटी तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास एंड डेंसिटी चलो ये कर लो बाकी सेम खाली लेंथ फोर्स एंड वेलोसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ फोर्स एंड वेलोसिटी are taken as fundamental quantities. Then find the dimensions of mass and density. इसको जगह छोड़ो कभी मैं प्रॉब्लम होमवर्क देता हूं उसके बाद लिखने का जगह छोड़ देगा सो दैट जगह छुटी हुई हमेशा दिखाई देगी तो लगेगा होमवर्क करना है और उसका रिलेशन जस्ट ऊपर वाले प्रॉब्लम के साथ होगा तो थिंग्स विल बिकम इजी थिंग्स विल बिकम इजी इजी चलो अगला प्रॉब्लम पे जाने के पहले ये कॉपी कर लिया क्या सभी ने कि कॉपी कर रहे हो अभी भी प्रिशा कॉपी किया आपने प्रिशा शेट्टी हाँ मिटाऊं इसको प्यारे बच्चों मिटाऊं क्या कोई बोलने को तैयारी सब नींद में लगते नींद चलो मेरे को एक बात बताओ यार एक बात बताओ हैव यू एवर सीन टू क्वांटिटीज एडेड लाइक दिस 2 meter प्लस 5 kilo ऐसा कभी देखा कि यार नहीं देखा Oh, have you seen this? No, sir. Never. Yes, sir. What is the conclusion you derive from this? Conclusion kya derive karte ho? Two different physical quantities cannot be added. I cannot add kilogram ke sath meter aur main bolun 8 kilo. प्लस 12 सेकेंड आप बोले अरे सर क्या करते हो 8 किलो प्लस 12 किलो होता है 12 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड होता है क्या करते हो आप सर 2 meter प्लस 5 meter मतलब 2 different quantities cannot be added or subtracted हाँ but 2 different quantities can be multiplied जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स ये किलोग्राम है और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इट कैन बी मल्टीप्लाइड इन दिस फोर्स बट 2 different quantities cannot be added अच्छा दूसरी बात आपने ये सुना फोर्स equal to velocity ऐसा कभी सुने some force equal to जैसे मैं बोलूं कितना फोर्स है तो बोलेगा 5 meter per second बोले क्या बात करता है यार how can force be 5 meter per second बोले तेरी height क्या है बोलेगा मेरी height है 8 seconds तो आपको जमेगा नहीं है height has to be in meter force has to be in newton force cannot मतलब when equal sign is there left hand side right hand side anybody When there is an equal sign, left hand side or right hand side की क्या same होती है? Physical quantity same होनी चाहिए। तुम लोग बोलना ही नहीं चाहते हो? Okay, अब इसके ऊपर है ना एक problem है question। अच्छा एक मिनट मुझे बताओ। Suppose ये है velocity, ये है Suppose 2 upon x, ये 2 meter है, तो x must be what? X is x के बदले में लिखता हूँ p. Tell me p क्या होगी? P क्या होगा? Length होगा कि force होगा कि क्या होगा? ये meter है ऊपर, तो ये क्या होगा? P has to be what? So time. Time. बोलो p has to be time. और मैं बोलूँ p plus q. तो मुझे बताओ p और q दोनों क्या होने चाहिए? P और Q दोनों क्या होने चाहिए P
अगर टाइम है तो टाइम को टाइम ही ऐड करेगा, तो पी भी टाइम क्यू भी टाइम, तब जाके पी प्लस क्यू टाइम होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? यू अंडरस्टूड और नॉट? ओके अब है ना जी, तू क्वेश्चन नंबर 47 ऑन पेज 12 क्वेश्चन 47 ऑन पेज 12 सर क्या लिखा है? V equal to AT plus B upon P plus C plus V zero is a dimensionally valid equation. Obtain the dimensional formula for A, B and C, where is V is velocity, T is time and V is initial velocity. That is right. मैं आपको समझाता हूँ problem. पहले copy कर लो. Problem है जल्दी copy करो. ऐसे problem आते हैं exam में. अगर आपको doctor engineer बनना है तो you have to do this. और मैं आसानी से इसको सॉल्व करूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ चलो, पहले मुझे बताओ प्रॉब्लम समझ में आया? ये इक्वेशन दिया है उसमें ए बी सी घुसे हुए हैं, बोलते हैं डायमेंशन ऑफ ए निकालो, डायमेंशन ऑफ बी निकालो, डायमेंशन ऑफ सी निकालो, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, कैसे दिस वी हैज टू बी वेलोसिटी 1 प्लस वेलोसिटी 2 प्लस वेलोसिटी 3, यू कैन नॉट ऐड एनी अदर क्वांटिटी, मतलब एटी इज नथिंग बट वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी, दिस तो वेलोसिटी दिया ही है लोग, इसकी इसका मतलब भी नहीं हमको एबीसी में कंसंट्रेट करना है, इसको आउट ऑफ क्वेश्चन रखेंगे तो भी चलेगा। फिर भी वन थिंग कैन से, हमको एबीसी पे कंसंट्रेट करना है, कैन से सिंस ए इनटू टी इक्वल टू वी, देयरफॉर व्हाट इज ए इक्वल टू, मैथमेटिक्स, ए इक्वल टू व्हाट बोलो, मैथमेटिक्स ए इक्वल टू व्हाट, बोलो ए इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ ए आ गया, एल वन एम जीरो टी माइनस टू, ये खत्म हो गया, मतलब एटलीस्ट ए का डायमेंशन हो गया। Anybody can tell me C kya hai? Anyone can tell me what must be C? The time. Time, because two different quantities cannot be added. Time plus something has to be time. So you can say T plus C equal to time, and therefore C equal to time, and therefore C ka dimension kya hovega? C का डायमेंशन क्या होगा? बोलो बोलो। L zero M zero T one. That's right. Lovely answer. Okay, अब बचा कौन? B. Anybody can tell me B का डायमेंशन क्या होगा?
therefore b equal to what? देखो मैंने टूटी नहीं लिखा क्योंकि टाइम प्लस टाइम इज टाइम, मतलब हमको इक्वेशन से इधर टी प्लस पी हजार बार होता तो हजार की लिखने की जरूरत नहीं. डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ टाइम, न्यूमरेटर कंसिस्ट ऑफ बी एंड लेफ्ट हैंड साइड इज बी. तो बी का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज बी? बी इक्वल टू क्या मैथमेटिक्स? बी इक्वल टू क्या मैथमेटिक्स? बी इक्वल टू क्या? हाँ नहीं, बी इक्वल टू मैथमेटिक्स का क्या होगा? बहुत सारे लोग बोल रहे थे वी बाई टी. कौन था वो? कौन कौन था? वी बाई टी किस किसने बोला? सच सच बताओ, V upon T किसने लोगों ने बोला? अपॉन ने बोला था, V by बोला था. चलो V के बदले क्या लिखूं? What is V के बदले? V के बदले L by T. तुम लोग बहुत सत्ता दे मेरे को. ये रहा आंसर आपके सामने. ए का भी डायमेंशन आया, बी का भी आया, सी का भी आया. इसके बाद मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 56 पे आओ. कोई एक जन गायब हो गया है, कोई एक जन गायब हुआ है, पता नहीं. 12 लोग रहते थे, अभी 11 है. कौन गया है जरा देख के बताओ, कौन भागा है क्लास इसमें से? हुसैन, ओम, अफीम, चीतू, सोनन, मास, त्रिशा, रोशनी, भार्गेश. भार्गेश तो स्टार्ट से नहीं है. चलो अभी है ना, ऐसा करो, आई वुड लाइक अफीफ क्वेश्चन 56 रीड करो, पेज नंबर 14 पे. क्वेश्चन 56 पेज नंबर 14. What is the systematic error? Classify errors into different categories. अभी है ना, एक्सपेरिमेंट करते टाइम एरर्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं. तो लोग बोलते क्या सिस्टमेटिक एरर्स होती है, क्या मिस्टेक्स होती है, जरा डिटेल दो. और मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हम लोग इसको समझते हैं. यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स बट हेडिंग यू शुड नो. हाँ पढ़ो जरा आंसर. Systematic errors are errors that are not determined by chance but are introduced by an inaccuracy involving either the observation or measurement process. To the system, classification of errors. Inherent to the system ko chhod do. Matlab kya hota hai? Basically errors kya hoti hai? Inaccuracy. Inaccuracy ya to instrument mein ho, instrument hi galat use kar rahe ho aap, ya aap khud hi aata jata nahi aapko. मेजरमेंट प्रोसेस का ये पता नहीं आपको, तो ये सब के कारण क्या होते हैं? एरर्स होती है. तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स. क्या क्या? पहला तो आपके इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ हो सकते हैं. दूसरा क्या? खुद को नहीं आता, गड़बड़ी हो सकती है. यू योरसेल्फ आर गड़बड़ आदमी. ओके, पढ़ने का रहता है एम, पढ़ते हो डब्ल्यू. तो वो सब, वो कौन सी पिक्चर थी आमिर खान की, वो बच्चा रहता है ना, वो गड़बड़ करता है. तो पर्सनल एरर वैसी भी हो जाती है, मतलब खुद को नहीं आता या इंस्ट्रूमेंट ही आपने गड़बड़ ले लिया. क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ो आगे. द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स फॉलोइंग टू ग्रुप्स. सिस्टमैटिक एरर्स, यू हैव इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, एंड पर्सनल एरर, एंड बी रैंडम एरर. अभी है ना, हर एक डिटेल ये है ना, आपको बताता हूँ कैसे पढ़ाई करने की. ये जो है ना, ये मेन मेन एरर्स की हेडिंग बराबर प्रिपेयर करने का. एग्जामिनर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपने क्या लिखा है. आपको हेडिंग लिख के उसको मस्त एकदम अंडरलाइन करने का, बड़े बड़े वर्ड में, और अंदर क्या लिखते हो कोई पढ़ता नहीं. वो क्या, एग्जामिनर पेपर पलटेगा, हेडिंग दिखेगा, अरे वाह 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 वाह, यू मस्ट बी फ्रॉम खंडेलवाल, फटाफट फुल मार्क्स. अरे फॉलोइंग, तो आपको है ना अंदर डिटेल में अपने ओन वर्ड में लिखना, लेकिन हेडिंग्स
यू हैव टू बी वेरी श्योर, क्योंकि आप एग्जामिनर पेपर पलटता है ना, वो एक एक लाइन कोई नहीं पढ़ता है. आई एम टेलिंग यू इम्पॉसिबल. हेडिंग दिखेगा बोलेगा इसको आता होगा. चलो आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट पढ़ो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 57. या व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर आगे पढ़ो, आंसर पढ़ते जाओ. इंस्ट्रूमेंटल एरर, इट अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. मैं समझाता हूं व्हाट इज डिफेक्टिव कैलिब्रेशन. आपने मीटर स्केल चोर बाजार से लेके आए, उसमें जहां पे एक सेंटीमीटर होता है ना, वहां पे 2 सेंटीमीटर टाइप्ड है बाय मिस्टेक. फिर हर जगह गड़बड़, टाइपिंग ही गड़बड़ है. तो आप वो रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट ले लेके मेजर कर रहे होगे तो क्या होगा, आपका आंसर कभी लाइफ में नहीं आएगा. आई होप दैट इज क्लियर. ओ यस सर. हाँ, तो आपको पहला इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. एग्जाम्पल दिया उसने, पढ़ो जरा एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, इफ अ थर्मामीटर इज नॉट ग्रेजुएटेड प्रॉपर्ली, देयरफॉर on the thermometer actually corresponds to 0.99 degree, the temperature measured by such a thermometer will differ from its value by a constant amount. बराबर ना? ये तो इसने temperature का, मैंने जो बोला था वो meter scale का बोला था. meter scale में इतनी इतनी दूर पे जाने के, जहाँ पे इधर 1 centimeter होता है, suppose इतनी दूर जाके 1 centimeter mark किया है, फिर तो गए काम से ना. आपकी गलती नहीं होगी तो भी instrument ही गलत use कर रहे हो आप. So you will always lead with error. Chalo, next. Question 58, padho. What is the error due to imperfection in experimental technique? Padho. Error due to imperfection in experimental technique. The errors which occur due to defective setting of an instrument is called error due to imperfection in experimental technique. For example, the measured volume of a liquid is not in a graduated tube will be inaccurate if the tube is not held vertically. अभी मैं एक बात बताता हूँ. ये पहले आपको टेक्निक ही मालूम नहीं है कैसे करने का. आपको वॉल्यूम मेजर करना है, एक इसको आपको इसको प्रॉपर वर्टिकल हेल्ड कर रहा है तो आपको इसकी रीडिंग मिलेगी बराबर. लेकिन आपने उसको हेल्ड ही ऐसे कर दिया तो यू नो रीडिंग अलग आ जाएगी, रीडिंग अलग आ जाएगी एंड देन यू नो यू विल डू लीड टू एरर. एक्सपेरिमेंटल कंडीशन नहीं चाहिए कि भाई आपको ये वर्टिकल रखना है तब जाके देखना है. आपको अगर रीडिंग लेनी तो बराबर ऊपर से देखो, साइड से मत देखो. यू नो दीज आर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. आपको नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. कोई रीडिंग लेनी है आपको कि वो जो पॉइंटर रहता है वो कहाँ पे, और पॉइंटर को अगर साइड से आप देखेंगे ना ऐसे, आपको रीडिंग अलग मिलेगी. इस साइड से देखेंगे तो रीडिंग अलग, ऊपर से बराबर वर्टिकली ऊपर देखेंगे तो रीडिंग बेस्ट. तो ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स आनी चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू एरर. आगे बढ़ो, आगे पढ़ो. व्हाट इज पर्सनल एरर? पर्सनल एरर ह्यूमन एरर. दीज एरर्स इंट्रोड्यूस ड्यू टू ओवर टेकिंग रीडिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल एरर. फॉर एग्जांपल, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही है. जीतू तुम पढ़ो. जीतू. यस सर. पढ़ो जरा. 58 59